हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ आलू फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर आलू उबाल लिए। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी और उसमें मैं तेल डाल लूँगी। फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे और हम इसमें हींग डाल देंगे और इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे लंबे कटे हुए, और इसमें हम अदरक और लहसुन डाल देंगे बारीक कटे हुए। अदरक लहसुन हमारा भून गया है। अब इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डालकर उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारा भून गया है। अब इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे और जब तक टमाटर गले नहीं तब तक हम इसे भून लेंगे। अब इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हम अब नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें हम इस तरह से आलू को मैंने कट कर लिया है, इसे डालकर अच्छी तरह से भून लूंगी। मैंने यहाँ टेस्ट के लिए थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड कर रही है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारा झटपट से आलू फ्राई बनकर। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा झटपट से आलू फ्राई बनकर। अगर आप लोगों को मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और आप लोग ये मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप पराठे या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।